protest at the gates of Barclay Primary in East London. And at the centre of it all, an eight year old boy. Threaten and intimidate teachers into forcing a primary school to close. But that's exactly what happened today at Barclay Primary School in Leyton, East London. अच्छा तो बच्चे के बाप ने ये कहा कि वो फ़ाल्सिनी नसाह था कि वो ना अपने जो लोग फ़ाल्सिनी में मारे गए हैं वो उनकी याद के अंदर उसने बैज लगाया हुआ था अपनी उनकी याद के अंदर आपने बैज लगाना है तो आपने स्कूल में ला के क्या करना है ऑब्वियसली ये एक पॉलिटिकल मूव है

जो आपकी नफरत है तालीम के साथ आपकी नफरत है साइंस के साथ कि आपको डिबो देगी एजेंडा था उनका एजेंडा ये है कि हम इनको वैसे जंगों से नहीं जीत सकते अंदर अपने बच्चे छोड़ दो वहां पे जाके और तो उनकी औरतों को फसा के। उनको इस्लाम की दावत से रोशनी से मालामाल करके उनसे दस दस बच्चे पैदा करते हैं फिर कहते हैं इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन पर जाकर रेप केस में किसी के साथ छेड़छाड़ी करोगे लड़कों लड़के के साथ करेंगे दूसरे रेप करेंगे जबरदस्ती पकड़ के तो क्या उसमें हुक्मरान जिम्मेदार है सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर हम वहाँ पर वीजा लगवा के जाते हैं उमरे का वहां पर जाके हम भीख मांगना शुरू करते हैं आपके ये जो आते हैं सी एस जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, यहां से कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं इन अक बंद बंद बंदे दोस्तों लंदन के एक प्राइमरी स्कूल को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि आठ साल के एक बच्चे ने कोर्ट पर फिलिस्तीन का झंडा पहनने के कथित तौर पर उसे डांटे जाने के बाद माता पिता ने विरोध प्रदर्शन किया विरोध करने के लिए अभिभावक और फिलिस्तीन समर्थक स्कूल के गेट के बाहर एकत्र हुए और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और भीड़ ने फिलिस्तीन समर्थक तख्तियाँ और बैनरों के साथ खड़े होकर शिक्षा पर हमला हो रहा है किनारे लगाए और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए इस पर पाक मीडिया क्या कह रहा है दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में लोगों को शिकायत यह है कि जैसे इन्होंने इंडिया में हिंदुओं को रेडिकलाइज किया है उसी तरह ये मगरब में अब गोरों को रेडिक्लाइज कर रहे हैं जो कि हर नॉन गोरे के लिए एक बुरी खबर है उसके अंदर सब रगड़े जाएंगे जब गोरा

के भाई ये बड़ा डिवाइसिव इशू है इसमें हमने वेस्ट में देखा है, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में देखा है कि उधर से इसराइल के झंडे निकलते हैं उधर से फलस्तियों के झंडे निकलते हैं तो बीच में लोगों का तसादम होता है और मुसलमान ज्यादा वायलेंट होते हैं क्योंकि उनकी तरीरक ही ऐसी मुसलमानों का हमेशा से ऐसा ही होता है भैया अकल दिमाग को तो इस्तेमाल नहीं करना तो तद्द के ऊपर फॉरन उतराना वो सिविलाइज हो चुके हैं लोग ये लोग सिविलाइज अभी नहीं हुए ये वही बदमाशी इंटमिडेशन और शरिया और ये चीख चबाड़ वाली इस तरह की हरकतें यही बोली इनको समझ आती है तो इस वजह से बहुत सारी जो प्राइवेट एंटिटीज होती है प्राइवेट कमराज ये नहीं है जो स्कूल जो होता है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल क्यों ना वो एज अ वो बिहेव एज अ प्राइवेट एंटिटी करता है वो अपनी पॉलिसीज जो है अपने गिरदो नवा की कंडीशन को देख के वो अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं हमने किसी भी चीज़ की इजाजत नहीं देनी चाहे वो फलस्ती इसराइली हो अब उस छोटे से बच्चे के बाप ने कहा कि वो था। कि वो ना अपने जो लोग फलस्तीनी में मारे गए हैं वो उनकी याद के अंदर उसने बैज लगाया हुआ था अपनी उनकी याद के अंदर आपने बैज लगाना है तो आपने स्कूल में ला के क्या करना है ये पोलिटिकल मूव है लोगों को दिखाने के लिए अपना रोना धोना मचाने के लिए तो वहां पे उन्होंने स्कूल ने उनको

स्कूल लिखा था जीव यानी इनको कोई शर्म नहीं आती एक एक हैदराबाद का पब्लिक है जहां से तीन बड़ी जहासनैलिटियां दुनिया की और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और तीन बड़ी वो पर्सनैलिटियां है। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो निजाम हैदराबाद में बनाया था वो तीन पर्सनैलिटियां कौन थी एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे एक गूगल के सीईओ थे और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट थे तीन भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें तो सीखे मुझे कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ जो आपकी नफरत है तालीम के साथ आपकी नफरत है साइंस के साथ ये आपको डिबो देगी और ये मैं बताना चाहूंगा खासकर थोड़ा सा अगर मैं करूं चीजें कुछ कहूंगा सबसे पहले आपने साइंस को डिनाई किया जब जर्मनी में सोलहवीं सदी में प्रेस आई तो तुर्की के जो आ, आ, मौलाना थे उन्होंने कहा था कि प्रेस पहले हाथ से लिखा था जाता था कुरान पाक उन्होंने कहा कि ये प्रेस के ऊपर कुरान लिखा जाएगा नाउस बिल्ला इसको हाथ नहीं लगाना ये कुफर है ये कुफर है उसके बाद आपने इस तरह अपने अकलों पर ताले लगाए हैं मैं समझता हूं अब्बासियत पीरियड हारू रशीद का था जब बगदाद को उसको कहा जाता था मुदीनातुल हिकमत मदीना तो दीना मैं उनके बारे में बड़ी रिसर्च आज का करता रहता हूं उनके जो उनके उनके ट्रांसलेशन का एक डिपार्टमेंट था जिस जो उसका हेड था ही क्रिश्चियन और जिस तरीके से वहां पे किताबें ट्रांसलेट की जाती थी जिस तरीके से पेपर छपा छापा जाता था हारू रशीद के पीरियड के बाद से लेकर चीमा साहब आपने अकलों पर ताले लगा दिए आज भी आज भी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तालीमें उनकी किताबें अकॉर्डिंग टू लामाबाल मर्द ममूमन पे बेअसर है आपके ये जो आते हैं सी एस एस अफसरान जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं यहां से कुछ भी नहीं लेके जाते अक बंद अकल के ताले लेकर आते हैं बंद अकल के ताले लेकर वापस चले जाते हैं कह रजाल है आज ना सिर्फ पाकिस्तान में इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड 1.9 बिलियन मुसलमान हैं और जलीलो अखबार हो रहे हैं चाहे अपने मुल्कों में है चाहे बाहर है खुदा का एक अजाब नाजल है क्योंकि आपने तालीम से मुंह फेर मुँ फेर लिया आपने ये कसमें खा ली हैं कि हमने पढ़ना नहीं तालीम तरक्की हमने हमने तरक्की तालीम से नहीं करनी हम जिहाद से तरक्की करेंगे तो खुद आजा ना जे शर्म करो यार खुद शर्म करो हूँ तो जंगा ड्रोन न हो रही जे हूँ तो कोविड अगले सटते ने बना के अद्धिया नस्ल तबाह हो जा लगे उर्दू ट्वीटा कर खेडा कर लगे हो कुछ अकल देहा अकल खोलो अपनी इंग्लिश पढ़ो कुछ साइंस मैथे चलो लेकिन चीमा साहब उससे अगली खबर मैं बताना चाहूंगा